जो आत्महत्या करने का विचार अपने मन में लाते हो, अपनी माँ के माथे पे एक कायर बेटे का टैग लगा जाते हो, माना मंजिल आसान नहीं तुम्हारी, माना मंजिल आसान नहीं तुम्हारी, पर तुम्हारी माँ ने भी तुमको जन्म दिया है हजार दर्दों को सहकर, तो बारी अब तुम्हारी है, तो बारी अब तुम्हारी है, अपनी माँ के लिए बस इतना कह दो, ये जो जिंदगी है जिसे तुम उदासी से जी रहे हो इसे खुशहाल कह लो, बस इतना कह लो। अरे छोड़ो ये आत्महत्या के विचार अपने मन में, अरे छोड़ो ये आत्महत्या के विचार अपने मन में जो लाते हो, क्यों अपनी माँ को एक कायर का बेटा कहलवाते हो। छोड़ो सारी टेंशन ये दुनियादारी की, छोड़ो सारी टेंशन ये दुनियादारी की, दुख तो दुनिया में आना जाना लगा ही रहता है, बस ठान लो अपनी माँ के लिए कि हमको जिंदा रहना है, ठान लो अपनी माँ के लिए हमको जिंदा रहना है। और क्यों भूल जाते हो वो बचपन की मीठी यादों को, क्यों भूल जाते हो वो बचपन की मीठी यादों को, जब माँ लोरी गा के तुमको सुलाती है, तुम्हारे पैर में कांटा लगने पे लाखों आंसू बहाती है, फिर क्यों आत्महत्या का विचार तुम अपने मन में ले आते हो जरा जरा सी टेंशन पे, क्यों अपने मन में ले आते हो आत्महत्या के विचार जरा जरा सी टेंशन पे, क्यों माँ का आंचल भूल जाते हो जो तुम्हें लाख दुआओं में मांगती है मंदिरों में। थैंक यू। और कौन कहता है फौजी रोते नहीं हैं, कौन कहता है फौजी रोते नहीं हैं, इमोशन उनके सीने में होते नहीं हैं, ये तो उनकी वैदी की ताकत है जनाब जो उनके आंसुओं को रोके रखती है, पर उनके पर जब वो देते हैं अपने ही दोस्तों और साथियों की अर्थियों को कंधा, जब वो देते हैं अपने दोस्तों और साथियों की अर्थियों को कंधा, तब उनके सख्त चेहरे से भी लाखों मोती वाले आंसू बहते हैं। कभी वक्त मिले तो सीने पे रखना हाथ उनके, कभी वक्त मिले तो सीने पे रखना हाथ उनके, दिल उनका भी धड़कता है जनाब अपनी माँ के सर में, अपनी माँ की गोद में सर रख के सोने को। थैंक यू। बड़े भाई के गले लगकर कुछ टाइम बिताने को, अपनी प्यारी भाभी के हाथों की वो प्यारी प्यारी डिशेज खाने को, और छोटे भाई की तो बात ही मत पूछिए, छोटे भाइयों की तो बात ही मत पूछिए, कहता है चल यार क्या टेंशन है तुझे, चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पर बाइक से। बात कह लें उन फौजियों की, उन बहनों की, बात कह लें उन फौजियों की, उन बहनों की, जिनको वो प्यार से बंदरिया भी कहते हैं, लेकिन उसी के हाथ की जली हुई रोटियाँ खाने को भी तरसते हैं, और फिर जब कर देते हैं बुराई उसकी जली हुई रोटियों की, तो सारे दिन उसको मनाने में घर में आगे पीछे भागते हैं। उनके सीने में भी एक दिल है, उनके सीने में भी दिल है, जिसमें रहती वो लाल सूट पहने माथे पे काली बिंदी लगाने वाली, अरे वही जिसके नैन तीखे हैं और बाल हैं जुल्फे हैं काली काली। कौन कहता है फौजी रोते नहीं, कौन कहता है फौजी रोते नहीं, वो देश की रक्षा करने के लिए जाने कितनी गोलियां सीने पे खाते हैं, और अपने ही देश में हो रहे हिंदू मुस्लिम के लिए अफसोस जताते हैं। ये हिंदू मुस्लिम ने जाने ना जाने कितने घर उजाड़े हैं, कहीं किसी का घर जल रहा है तो कहीं किसी के सर से तन जुदा हो रहा है। इंसान जाने कैसे काट देता है दूसरे इंसान को, इंसान जाने कैसे काट देता है दूसरे इंसान को, क्या इसीलिए हमारे फौजी सरहदों पे -डिग्री टेम्परेचर पे भी सीना ताने खड़े होते हैं ड्यूटी निभाने को। वो कहते हैं उनको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है, वो कहते हैं उनको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है, अरे हम इंडियन हैं जनाब, आसान काम हमें भी रास नहीं। और आओ कभी इंडिया तो दिल पे डाल के आना लाख पहरे हैं, आओ कभी इंडिया तो दिल पे डाल के लाना लाख पहरे हैं, क्योंकि पता नहीं कौन सांवली सूरत वाली माथे पे काली बिंदी लगाए चुरा ले आपके दिल को।